मैं सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा था। क्या हुआ था आपके पोते के साथ? ये हुआ था, हम लोग तो हाल में बैठे हुए थे, एक औरत आई, खेल लगे के वो आग लग गई, आईसी रूम में सब भागो भागो, हम भाग गए देखने तो इतना धुआं था काला का, हमें कुछ दिख ही नहीं दिया था। सबने कहा नहीं यहाँ से भागो, के नीचे उतरो, तो ऐसा नहीं कि जब बिल्डिंग पड़ी है तो सबने हमें नीचे उतार के भगा दिया। हम वो देखा तो 2-3 घंटे के बाद आई है गाड़ी, जब तक 2-3 घंटे तक लगी रही आग। आप कह रही कि आप भी थी और उनके पापा भी वहाँ पे? हाँ, आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, अंधेरा तो इतना था कि वो धुआं के मारे कुछ दिख ही नहीं दिया था। ये चीख चीख के और हालत में इतनी तकलीफ हो रही है। वाले जाने भी तो नहीं। आप लोग को कब पता चला कि? नहीं, उसी वक्त पता चला। नहीं, बच्चे की मौत का कब पता चला? बच्चे की मौत का तो 12 बजे चला। क्या आपको फोन आया या आप लोगों ने जाके पहचाना? नहीं, सब बच्चों को चेक कर रहे थे हम लोग, हमारा बच्चा ही देखेंगे, हम किसी का बच्चा कहा को हम देखेंगे, हमारा बच्चा था ही नहीं, तो हमसे कह रहे हमारा बच्चा बताओ कहाँ है, तो कहने लगे 4-5 बच्चे वहाँ है। फिर हमने हमारे लड़के को बुझाया, हम चेक कर रहा तो कहने लगा आ जाइए, हमारे हमें वो पूरा जल गया। कहने लगे मुआवजे के तौर पर सरकार ने अब तक 4-4 लाख रूपये की घोषणा मृतकों के परिवारों को की है और जाँच के आदेश दिए है। ये अपने चोरी का ऑक्सीजन वाला वाट में आग लगी। क्या हुआ था वहाँ पर? दूध लेके गया था एक इतनी सी डब्बी में, दूध दर के 10 मीटर से गया होगा, मात्र इतने में इतना धुआं का उसमें हुआ ही नहीं। और बच्चा खुचा उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में क्यों आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने, के धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी को नहीं, पब्लिक लेने के लिए बंदर भरा कि बाकी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, सब चोरा चोरी को। हाथ दिखाओ तुम्हारा। अरे मैंने मेरे हाथ से, तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे 2 बच्चे थे। तुमने देखे? तब अंदर जाते जाते तो हुआ ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि जो शिक्षा मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, महीने में कम से कम 5 दिन हमीदिया हॉस्पिटल में जाते हैं, कमला नेहरू अस्पताल में जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर, किस लिए वहाँ पर जाते हैं? अगर साल भर में जो है 50-60 बार हमीदिया हॉस्पिटल का कोई दौरा मंत्री करता है और उसके बाद अगर ये वहाँ पर हालत है तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार अभी बात क्यों नहीं कर रही है कि किस ठेकेदार के पास किसका चहेता है, जिसके पास फायर सेफ्टी का मेंटेनेंस का काम है, जिसके पास बिल्डिंग के मेंटेनेंस का काम है, वो कौन लोग हैं? उनके नाम सार्वजनिक करना चाहिए। आप वहाँ 10-12 दिन से थी, आपको पोता वहाँ था, तो वहाँ कितने बच्चे आप देख रहे हैं? उसमें क्या कहते हैं, आईसी रूम में तो फुल जा रहा था, उनसे तो ये कह दिया अभी जो मरे हुए ना कि पहले से मर गए थे वो बच्चे, पहले से नहीं मरे, वो तो धुएं के कारण मरे सब बच्चे। तो कितने बच्चे वहाँ पे थे, कुछ अंदाजा है? अब हमें नहीं मालूम, अल्लाह तो जान ही नहीं देती। पूरी घटना में सबसे मार्मिक कहानी इरफाना खान की है, जिनको शादी के लगभग 14 साल बाद एक बेटा हुआ और कमज़ोर होने की वजह कर उसे हमीदिया के SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। जब उनके आग का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई राशिद खान को फ़ोन किया। राशिद जो लगभग 1 किलोमीटर हॉस्पिटल के दूर थे, वो दौड़कर वहाँ पहुँचे और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आग है। बजाय कि अपने भांजे को खोजें, वो उन्होंने वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को रेस्क्यू कराना शुरू किया। करीब आधे घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने 8-10 लोगों को बचाया और बाकी नर्सों के साथ और वार्ड बॉय के साथ मिलकर वहां काम किया। आखिर में उन्हें पता ये चला रात के 3 बजे की जिस वार्ड से उस बच्चों को वो निकाल रहे थे, उसी वार्ड में उनके भांजे की मौत हो गई। हमीदिया वाली घटना में मेरा भांजा था। क्या उम्र होगी उसकी? तकरीबन 8 साल का था वो, 8 दिन का था, 8 दिन की गहराई थी उसकी। और मेरा भांजा था 13 साल बाद, मेरी बहन 12 साल बाद मेरी बहन को बच्चा हुआ था। सर जब मैं एंटर हुआ तो वहाँ धुआं ही धुआं था, जितने बच्चे मेरे हाथ में आए, जितने बच्चों को मैं रेफर कर सकता था उतने बच्चों को रेफर किया, उठा के शिफ्ट किया। उठा के शिफ्ट किया, बाकी मैडम भी लगी थी, डॉक्टर भी लगे हुए थे, सब अपना काम बखूबी कर रहे थे, इसकी में कोई। कितने बच्चों को शिफ्ट किया होगा? तकरीबन मैंने आज से 10 बच्चों को मैंने शिफ्ट किया है। तो उस दौरान आपका भांजा को नहीं देखा आपने? नहीं देख पाया, क्योंकि मैं सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा था। और मैडम से जब मैंने अंदर पूछा कि मैडम और बच्चे तो नहीं है, मैडम ने कहा कि लगभग बच्चे पूरे आ चुके हैं। तो मैं माइंड फ्री हो गया, फिर मैं जो है दरवाज़ा लॉक करके और ना किसी को अंदर आने दिया ना किसी को बाहर, में डॉक्टर वहीं खड़ा रिया गेट के ऊपर। तो फिर ये बच्चे रह कैसे गए, आपको क्या लगता है? मैडम सर इसका मैं ये कहूँगा कि वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि वहाँ आग ज़्यादा फैली हुई थी और धुआं ज़्यादा था, और इतनी दूर का इतनी पास का भी नहीं दिख रहा था कि मैं इतनी पास का मुझे दिख रहा हो। इतनी पास अगर मैं जाऊँ तो मतलब मुझे आँच भी आ रही थी और धुआं भी बहुत ज़्यादा था। धुआं ज़्यादा की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पाया, और मैडम ने मुझे जब कह दिया था कि बच्चे लगभग पूरे आ चुके हैं तो मैं फ्री हो गया था, बिल्कुल फुल हो गया था। उसके बाद मैं गेट पे खड़ा हो गया, गेट पे फिर मैंने एंट्री लोगों की बंद कर दी। कब पता चला कि आपके भांजे के जुलस गया है? उस आपने पता चला है मैं कभी कहीं 3:30 बजे मुझे सामने बुलाया, जब मैंने बच्चों का पूछा कि बच्चों से मिलवा दो, बच्चों के नाम कम से कम पता चल जाए हमें कि हमारा बच्चा कैसा है और हमें कब मिल सकता है या हमें कहीं और रेफर करना चाहिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो फिर उन्होंने नाम वाम वगैरह बताए बच्चों के, तो दोनों वार्ड में जहाँ रेफर की थे बच्चों को वहाँ कहीं भी बच्चों का हमारा नाम नहीं आया। तो फिर हमने कहा कि बच्चे कहाँ हैं सर, तो उन्होंने कहा 3rd पे भी 4 बच्चे रहेंगे, अलग रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा डाउट हुआ था मुझे, लेकिन जब मुझे फिर वो बुलाया गया ऊपर, मेरी बहन को भी लेकर गया था मैं, तो मेरी बहन को मैंने बाहर कर दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक देना नहीं था, क्योंकि वो वैसे ही बहुत डिप्रेशन में थी। स्वास्थ्य व्यवस्था और उसके रख रखाव को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पिछले ही साल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सरकारी अस्पताल में करीब 16 लोगों की कथित तौर पर मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह कर हुई। उसके कुछ चंद दिनों बाद लगभग 12 से ज़्यादा बच्चों की मौत 2 दिनों के अंदर शहडोल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी और सुविधाओं की कमी की वजह कर हुई। मगर हमेशा की तरह उस पर भी जांच कमेटी तो बैठाई गई, लेकिन आज तक न उस पर कोई कार्रवाई हुई न उसकी रिपोर्ट आई। कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। आज ये निश्चित किया गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला जी को उनके पद से हम हटा रहे हैं। इसी तरह हमीदिया अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दुबे को भी हम उनके पद से हटा रहे हैं, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग गैस राहत विभाग के पास थी। उस अस्पताल के संचालक गैस राहत के अधिकारी के दुबे को भी उनके पद से हम हटा रहे हैं। उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस सीपीए के पास था, जो विद्युत विंग के ईएनएम के जो उपयंत्री हैं उनको सस्पेंड किया गया है।